हम लोग इस मार्च को इंडिया के 43 शहर में अलग अलग जगहों पे ये किया कर रहे हैं। दिल्ली में भी आज का हमारा ये मार्च यहाँ आयोजित किया गया। बेसिकली जो हम डिमांड कर रहे हैं वो हमारी मांग है कि जो लगातार कोर्स एंड करिकुलम में अनसाइंटिफिक बिलीव्स को इस्टेब्लिश करते हुए फैक्ट्स को लाया जा रहा है, जो अनएविडेंस बेस्ड जो साइंस है इसको एक्सप्लोर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोगेट किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को तुरंत रोक लगाई जाए। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो साइंस का जो बजट है, साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च वर्क में जो बजट एलोकेट होना चाहिए, इसमें जो आज प्रेजेंटली ये 0.83% है, इसको कम से कम इंक्रीज करके 3% किया जाए और टोटल एजुकेशन बजट को 6% ऑफ द GDP किया जाए। लास्ट ईयर द मार्च बिगैन mainly because there was a big uproar among the scientist community about cutting in funds. This year, the same community continued to face those cuts in funding. In fact, research was conducted as to how much cuts were made, and it was figured out, many of the scientists, many of the scholars said that they had stopped receiving their grants for over 3 years. I think a funding cut is a symptom of what the society thinks about science. If you don't think it's important, you will not support it. I'm marching today to sort of let the society know that science is not for just me or for scientists inside the lab. It is for everybody, for humanity. And the importance of science is not in the small things that we do in the lab, but for the large changes that we have gone through since human civilization has started. And most of the contributions that you see, or the changes that we see in our life, you can attribute it to science. आज के दिन स्कूल में टेक्स्टबुक्स बदले जा रहे हैं, जहाँ पे दो वास्तविकता है उसको छुपाकर history is being falsified, facts are being falsified, and uski jagah purani kahaniyan aapke samne rakhe ja rahe hain ki yahi tatva hai. Vigyan ke bare mein jo bhi hamare aadhunik kaal mein nahi prachin kaal mein bharat ne bahut mahatvapurna contributions kiye hain vigyan ke prati, unko highlight nahi karte पर अपने ही दिमाग से सोच के कि 8000 पहले हमने हवाई जहाज भी बनाए, स्पेस क्राफ्ट भी बनाए, कॉस्मेटिक सर्जरी भी किया और इस प्रकार के इमेजिनरी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को हम प्रचार कर रहे हैं। आज का जो हमारा मेजर सेक्शन है, जो यूथ है, आज वो किस तरीके से आज प्रभावित हो रहे हैं, चीज़ों को अनलॉजिकली समझ रहे हैं और उसको वायलेंट का रूप दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, वो अपना एक माइंड वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न नहीं जान पा रहे हैं, उसी का कारण है कि इतना हिंसक हो रहे हैं, इतना फैनेटिक हो रहे हैं। नॉलेज का हर एरिया में हमला हो रहा है। आप प्रोफेशनल हिस्टोरियन है या प्रोफेशनल फिजिसिस्ट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मिनिस्टर आके बोल दे रहे हैं कि डार्विन गलत, हम सब बंदर से आए थे, ये गलत होता है। इस टाइप के जो चीज़ अगर मिनिस्टर, अगर एक तरीके से पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता अगर इस चीज को प्रमोट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि तो समाज में भी इसका असर पड़ेगा। ये पूरा नॉन साइंटिफिक आइडियाज का जबरदस्त प्रेवलेंस रहेगा और ये विस्तारित होता रहेगा। टुडे इज अंबेडकर जयंती एंड आल्सो द मार्च फॉर साइंस, सो मुझे लगता है ये दोनों चीजें बहुत गहरे रूप से जुड़े हैं, क्योंकि अंबेडकरवादी संघर्ष और अंबेडकरवादी सोच से ही रैशनलिज्म और साइंटिफिक सोच का की प्रोपगेशन कर रहे हैं ग्रास रूट्स लेवल पे। शहीद रोहित वेमुला जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी साइंस में बहुत इंटरेस्टेड थे और जिन्होंने साइंस का प्रोफेशन से बहुत एक्सक्लूजन महसूस किया अपना दलित आइडेंटिटी की वजह से, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2 स्कॉलरशिप लेके एंटर किए थे फॉर साइंस एंड येट वॉज एक्सक्लूडेड। साफ तरीके से ये भी दिखाता है कि हमारे साइंटिफिक सोच में भी किस तरीके से ब्राह्मणवाद एक तरह से उलझा हुआ है। मुझे लगता है हर कोई इस देश के लोग साइंटिस्ट है, अगर वो एक साइंटिफिक सोच से सवाल पूछते हैं। द फंडिंग फॉर डिफेंस, द फंडिंग फॉर purchase of aeroplanes for shooting down people is much more than it is for training good scientists, making good academicians and making science available for common people.